एक चत्वारिंश सर्ग पढ़ रहे थे हम, और ये कथा महर्षि विश्वामित्र जी श्री राम को सुना रहे हैं। सगर के 60,000 पुत्र जो कि महर्षि कपिल के शाप से भस्म हो गए, वापस नहीं लौट के आए, तो इन्होंने अपने पौत्र अंशुमान को अपने पितरों को खोज करने के लिए और यज्ञ के अश्व को वापस लाने के लिए भेजा। और अंशुमान जो रास्ता इसके पितरों ने बनाया था, इसके चाचाओं ने बनाया था, उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए भूमि के अंदर से उस मार्ग को पकड़ते हैं और उसको वही दिग्गज मिलते हैं, दिशा दिग्गज जो कभी इनके पितरों को मिले थे। ये भी उनको प्रणाम करते हैं, उनका कुशल क्षेम पूछते हैं, उनकी प्रदक्षिणा करते हैं, उनका कुशल क्षेम पूछते हैं और पूछते हैं कि क्या आप जानते हैं हमारे घोड़े को किसने चुराया। परि पप्रच्छ वाजी हरतारम एवच, आठवां श्लोक पढ़ रहे थे। अपने पितरीन से परि पप्रच्छ, पितरों के बारे में पूछा कि आपने देखा इधर से हमारे पितर कहीं गए हों, या कोई हमारे अश्व को चुरा के ले गया आपने देखा हो, तो ऐसा पूछ रहे हैं और उनका भी कुशल क्षेम पूछ रहे हैं और उनको प्रणाम कर रहे हैं। तो यहाँ तक हमने कल पढ़ा, पीछे के पाठ से आपका कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। शास्त्र में पढ़ा कि तत्व तपो द्वंद्व सहनम, और वेद में भी ऐसा आया सहो से सहमय देही। तो यहाँ पे जो ऋषि है कपिल ऋषि, तो वो साधना कर रहे थे, तो जब सगर पुत्र आके उन्हें ऐसे बोला तो उन्होंने तुरंत ही उस पर रिएक्शन कर दिया। तो विशेषकर जो साधक होते हैं, साधना करते हैं, तो उन्हें तो थोड़ा धैर्य रखना चाहिए था, पूछना चाहिए था उनसे, तो उन्होंने भी रिएक्शन कर दिया। क्योंकि उनको दंड देना था ना, कई बार आदमी का बल बढ़ने से फिर एरोगेंट हो जाता है, तो उसको और कोई भी फिर दंड दे नहीं सकता है, तो भागवत शक्ति ही उसको दंड देती है। ये भगवान के प्रतिनिधि हैं विष्णु के, जो कपिल ऋषि हैं। तो ऐसे जब व्यक्ति तपस्वी तो होता है, लेकिन तपस्वी होते होते उस तपस्या के साथ साथ उसका अहंकार भी बढ़ जाता है बल के साथ साथ, तो फिर बहुत हानिकारक होता है उस व्यक्ति के लिए भी और पूरे समाज राष्ट्र के लिए भी। तो फिर उसको चूर करने के लिए अब दूसरे तो उतने तपस्वी हैं नहीं जो उसको दंड दे सकें, तपस्वी को दंड देने वाला भी तो कोई तपस्वी ही होना चाहिए। तो भगवान फिर या तो किसी महातपस्वी को
उसका अपना यंत्र बनाते हैं या तो वो स्वयं ही देते हैं उसको दंड। क्योंकि एक होता है अपराध, अपराध के लिए क्षमा किया जा सकता है, सहन किया जा सकता है। एक होता है पाप, पाप के लिए तो दंड मिलता है, फिर पाप को माफ नहीं किया जा सकता है, भूल को तो माफ किया जा सकता है। तो वहाँ और सहोसी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, मैंने कई बार भी बताया है कि कोई कुछ भी करे और हम ना बोलें, ये सहोसी का अर्थ नहीं है। सहोसी का अर्थ ये है कि उनको भस्म करके भी इनका चित्त विचलित ना हो, ये है सहोसी सहोमय दे। ऐसे सहन करने लगेंगे तो ईश्वर को ही हम कहा सहोसी तू सहनशील है, लेकिन क्या ईश्वर ने आज तक कभी किसी के पाप को क्षमा किया, सहन किया कि चलो करने दो, करते हैं तो कोई बात नहीं, अब क्या करें, ऐसा नहीं है। उस समय ईश्वर अपने ईश्वरत्व को नहीं बिगड़ने देते हैं। जब कोई पाप करता है, भूल करता है, तो वो अपने बड़प्पन को नहीं बिगड़ने देते हैं, अपने ईश्वरत्व को नहीं बिगड़ने देते हैं, अपनी उसी स्थिति में रहते हैं। वो दंड देते हैं लेकिन दंड देते समय भी अपने ईश्वरत्व को नहीं बिगड़ने देते, अपनी स्थिति में रहते हुए दंड भी देते हैं, अपनी स्थिति में रहते हुए उसको पाप करते हुए देखते भी हैं। ये है सहोसी। यथा योग्य व्यवहार तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसे तो फिर ईश्वर ही सहन करें सबसे ज्यादा, तो ऋषि से ज्यादा तो महर्षि, महर्षि ईश्वर हैं। तो ये सहन करने का अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि जी कोई कुछ भी करे और हमें तो बिल्कुल भी नाराज नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं आना चाहिए। क्योंकि वहां पर जो आपने सहोसी बोला उससे पहला ही मंत्र है मन्योरसि मन्युं मयि देहि, तो हम मन्यु की भी तो प्रार्थना की है, तो मन्यु का मतलब यही है कि जो भी कोई दुष्ट कर्म करता है तो उसको दंड देना ये उसके लिए भी कल्याणकारी है और पूरे समाज के लिए भी कल्याणकारी है। असहनशीलता का मतलब है कि व्यक्ति अधिकतर क्या होता है, व्यक्ति दूसरे के दोष से खुद को दंड देता है, ये सहनशीलता की कमी है। अपराध किसी और ने किया और दंड व्यक्ति खुद को दे रहा है, ये बहुत ही सिचुएशन बनती है। मतलब आपके साथ मिसबिहेव किसी और ने किया और दुखी कौन हो रहा है, दुखी आप हो रहे हैं, क्यों भाई? गड़बड़ तो उस व्यक्ति ने किया था और वो व्यक्ति आराम से खर्राटे मार के सो रहा है या घूम रहा है आराम से, अपने आराम से खाना खा रहा है, आपने खाना छोड़ दिया, आपने सोना छोड़ दिया, तो ये सहनशीलता की कमी है। आपको उस समय सोचना चाहिए कि भाई जिसने वो अपराध किया ये उस व्यक्ति का दोष है, तो यदि परेशान होना जरूरी है दोष के ऊपर तो परेशान उसको होना चाहिए, मुझे तो नहीं होना चाहिए, मैंने तो किया ही नहीं ना दोष कुछ भी, तो मैं दुखी क्यों हो रहा हूँ, मैं उसको सह नहीं पा रहा हूँ जो सिचुएशन हुई। मैं चाहता हूँ कि सब कुछ संसार में वैसे ही हो जैसा मुझे अच्छा लगता है, ऐसा कैसे होगा? जैसे जैसे जिसके संस्कार हैं वो वैसा वैसा व्यवहार करेगा, मेरे संस्कार मेरे पास हैं, तो जैसे मैं विपरीत परिस्थिति में दूसरे को समझा देता हूँ कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे ही इस विपरीत परिस्थिति में मुझे मेरे को भी तो समझाना है, मेरे को तो सबसे पहले समझाना है, दूसरा तो पता नहीं मेरी बात माने ना माने, पर मेरा मन तो मेरा ही है ना, तो उसको समझा करके। नहीं तो व्यक्ति क्या करता है, अपराध किसी दूसरे ने किया और ये परेशान हो रहा है, इसने खाना छोड़ दिया, सोना छोड़ दिया, फिर 10 लोगों के सामने बोलना शुरू कर दिया, पता आज उन्होंने मेरे साथ कैसा बिहेव किया, पता आज मैं कितनी रोई, पता आज मैंने खाना भी नहीं खाया, पता आज सारी रात सोई भी नहीं, 10 लोगों को और प्रसाद बांट दिया उसका, फिर वो बोले हाँ वो तो है ही ऐसे ही, लेकिन क्या करें, कर भी नहीं सकते हैं कुछ। तो अब वो जो पीड़ा थी वो 10 गुनी हो गई, एक आपके पास जो थी ना, तो वो पूरा एक इन्वायरमेंट ही बन गया पीड़ित होने का, और उस व्यक्ति को तो बताया भी नहीं कि आपके कारण ऐसे हो रहा है। इससे अच्छा क्या था, आप बैठते अपने कमरे में, आप सोचते कि मैं परेशान क्यों हूं, तो आपका मन बोलता कि मैं परेशान इसलिए हूं क्योंकि उन्होंने मेरे को ऐसे बोल दिया और मैं ऐसा हूं नहीं, मैंने ऐसा किया ही नहीं,
उनको समझ में नहीं आया, मिसअंडरस्टैंडिंग है या जो भी है, या अन्य किसी कारण से वो परेशान रहे हों, जो भी रहा हो, परेशान इसलिए हों, उन्होंने ऐसे बोल दिया, तो फिर आपका मन कहेगा बोल दिया तो कोई बात नहीं, उनके अपने संस्कार हैं। बोले नहीं, आप ऐसे संस्कार हैं तो अपने संस्कारों से खुद दुखी हो ना, हमारे को क्यों दुखी करते हैं। बोले कोई बात नहीं, जो उसने गलती की तो उसका दंड उसको मिलेगा, आपने तो कोई भी गलती नहीं की ना। बोले गलती नहीं की फिर भी मुझे डांट खानी पड़ी, ऐसे तो व्यक्ति की छवि खराब होती है ना। तो बोले कोई बात नहीं, किसी कारण से परेशान होगा वो भी। अपने मन को 4-5 बार समझाओ, जैसे आप दूसरे व्यक्ति को समझाते हो ना, तो इसमें 5-7 मैक्सिमम 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट के बाद खत्म। और नहीं तो 10 लोगों तक फैला करके भी वो खत्म नहीं होता है, 10 गुना हो जाता है, वो इन्वायरमेंट खराब होता है, और उससे और वो हमें छूता है वो खराब इन्वायरमेंट। तो सहन करने का मतलब यही है कि भाई जो भी घटित हो रहा है, या तो कोई कर्म फल हो सकता है मेरा, या तो अगले व्यक्ति के संस्कार भी हो सकते हैं। स्थिति तो आ गई है सहन करने योग्य, अब करना क्या है, कौन सा उपाय अपनाना है जो इसको ठीक किया जा सके। एक घटना तो घट गई, परेशानी खड़ी हो गई, अब इसे बाहर कैसे निकलना है वो सोचना है। और वो वैसा सोच के बाहर निकल जाता है, वो व्यक्ति सहनशील है। सहनशील ये व्यक्ति नहीं है कि उसको तो कुछ भी नहीं बोला जिसने डांटा, और बाकी 50 लोगों तक सूचना प्रसारण कर दी, और ज्यादा बिगड़ गई। तो आप तो असहनशील थे ही, अपने असहनशीलता और 50 लोगों को और बांट दिया आपने, तो उल्टा पाप और कर दिया। पहले आप निरअपराध थे, अब आप भी अपराधी हो गए उसके साथ साथ। और ऐसा बहुत बार होता है, त्रुटि कोई दूसरा करता है और दंड हम अपने को देते हैं। तो ये सहनशीलता की कमी, उस समय ये मंत्र बोलने का है, सहोसी सहो मई देई। आप कितने लोगों की त्रुटियां देखते हो तो भी आप कभी अपने ईश्वरत्व से विचलित नहीं होते हो। तो मुझे भी कुछ ऐसी शक्ति प्रदान करो कि मैं अपनी आत्मा की स्थिति से विचलित ना हूं। और इसका यह अभिप्राय भी नहीं है कि हम उस व्यक्ति को समझाएं भी नहीं, दंड भी ना दें, डांटें भी नहीं, तो फिर तो अव्यवस्था हो जाएगी। तो वो उस व्यक्ति को देखना पड़ेगा, उसका किस तरह का अपराध है, उसकी चित्त की स्थिति किस प्रकार की है, और किस समय उसको डांटना है, किस समय पुचकारना है। क्योंकि मुझे उसका उद्धार करना, ये भी यदि मेरी जिम्मेदारी है तो, नहीं है तो छोड़ दो। मान लो रास्ते में चलते चलते कोई व्यक्ति रेड लाइट के ऊपर हमारी गाड़ी को टक्कर मार के आगे निकल गया, अब उससे हमारा कोई संबंध तो है नहीं, तब तो छोड़ दो उसको। उसके गाड़ी के नंबर नोट करने की, उस पर संपर्क बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। और यदि कोई अपने परिवार का व्यक्ति है, अपनी पहचान का व्यक्ति है, तो फिर उसको ठीक रखना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो बड़ा है तो उसको विनम्रता पूर्वक निवेदन कर दो, बराबर वाला है तो उसको समझा दो, छोटा है तो उसको पुचकार के समझा दो। ज्यादा उसने त्रुटि की है, नहीं कहना मान रहा है, 2-3 बार समझाने से, तो डांट के समझा दो। लेकिन भावना तो यही होनी चाहिए कि उसको भी ठीक करूं, अपने आप को भी विचलित ना होने दो। ये छोटी छोटी चीजों में इसकी प्रैक्टिस की जाती है रोज व्यवहार में, तो फिर वो व्यक्ति की एक स्वभाव बन जाता है, उसकी ताकत बन जाती है फिर। तो इनको दंड देना जरूरी था, इसलिए कपिल ऋषि ने ऐसे किया। ऐसा नहीं है उनमें सहन शक्ति नहीं थी, दंड दे के भी वो अपने समाधि में बैठे हैं आराम से, वहां कोई रो थोड़ी रहे हैं, अरे मेरे से कितनी हिंसा हो गई। घोड़ा तो उन्होंने चढ़ाया था ना इंद्र जी ने, तो कपिल ऋषि के पास फिर कैसे आएंगे? वो तो बताएंगे, ये छोड़ आया वो डर के मारे, खुद को तो फेस करने की हिम्मत थी नहीं सगर के पुत्रों को। तो कई बार ऐसे करते हैं चोरी करके लोग, आपके पास छोड़ जाएंगे तो पुलिस आके आपको पकड़ लेगी। बहुत ऐसे निरअपराध लोग जेल में बंद हैं, मतलब करता कोई और है, चाकू से मर्डर कोई और करता है, और उस चाकू को डाल देते हैं किसी और के पास, उसके झोले में मिला वो, तो मर्डर का केस उसका बनेगा, वो व्यक्ति नहीं पकड़ा जाएगा।
करते हैं चालाकी। बुद्धि है, बुद्धि का सदुपयोग भी हो सकता है, दुरुपयोग भी हो सकता है। ज्यादातर दुरुपयोग वही करते हैं जिनके पास ज्यादा तेज बुद्धि होती है। ज्यादा बड़े अपराध कभी भी सामान्य व्यक्ति नहीं करते, शातिर व्यक्ति करते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि बड़ी शार्प होती, घुमा देते हैं वो चीजों को। लेकिन अंततोगत्वा हाल बुरा होता है, क्योंकि ईश्वर की नजर से नहीं बच सकते हैं वो भी, दुनिया की नजर से तो बच जाते हैं वो जो चालाक होते हैं। मतलब वही अपराध खुद करते हैं और दूसरों को करने पर दंडित करते हैं, तो ये उनकी बुद्धि का चातुर्य का मिसयूज है, दुरुपयोग है। बहुत जो शातिर होते हैं, माइंड से तेज होते हैं, वो बड़े अपराध करते हैं। छोटे छोटे सामान्य व्यक्ति कभी बड़े अपराध नहीं करते। फिर एक दिन लेकिन वो उनका 10 20 50 साल के सारे अपराध जो है वो एकदम से उजागर हो जाते, सब लेके डूब जाता है वो व्यक्ति, भर जाते हैं ना, ऐसे बोलते हैं भी पाप का घड़ा भर गया तो अब तो फूटना ही है। फिर तो जब तक भरता रहता है किसी को पता नहीं चलता है, फिर ऐसे होता है। दीदी जी, जब सगर के पुत्र तो घोड़ा चोरी हुआ तभी तो इस तरह से किए, अगर शायद घोड़ा नहीं चोरी होता तो फिर इस तरह से करते ही नहीं। वो घोड़ा चोरी हो गया इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो भी रास्ते में आए और उसको बोले ठहर तूने हमारा घोड़ा चोरा उसी को मार डाले, ये कोई तरीका थोड़ी होता है। नहीं, पहले तो उन्होंने ठीक ठाक, ना ना ठीक ठाक कहाँ, वो तो जब से पृथ्वी का खनन करने लगे जो भी प्राणी आए सबको मारते चले गए, तहस नहस करते चले गए, एक मतलब अपने बल का दुरुपयोग करते चले गए। ये तो उनके पिता की आज्ञा थी कि कहीं से भी ढूंढ के लाओ। पिता ने ये थोड़े ना कहा था कि हिंसा कर देना, पिता ने तो ये कहा था कि घोड़ा लेके आओ, पिता ने ये तो नहीं कहा था कि रास्ते में जो भी मिले सबकी हिंसा करते जाना, तबाही मचा देना, तहस नहस कर देना। तो शांतिपूर्वक भी तो खोज सकते थे भाई, जब घोड़ा मिल ही नहीं रहा है तो दूसरे निरअपराध प्राणियों को क्यों मार रहे हो? इसलिए मार रहे हैं क्योंकि हम बलवान हैं, ये तो ठीक नहीं है। आप बलवान हो तो किसी को मारने के लिए थोड़े बलवान हो आप। जी दीदी, लेकिन इसी में तो बताया गया है कि रास्ते में जाते वक्त जिन दिशाओं के जो वो थे उनको मिले तो फिर उनको प्रणाम किए, प्रदक्षिणा किए, उसके बाद उनको तो किया, उनको तो किया, दिग्गजों को तो प्रणाम किया इन्होंने, इतनी तो मेहरबानी कर दी कि उनको नहीं मारा कम से कम या तो खुद ही मरते उनको मारते तो। लेकिन बाकी प्राणियों को मारा, और वहां जाकर के भी जब कोई ऋषि समाधि में बैठा है तो कम से कम भाई उससे पहले पूछो तो सही, सीधा ही जा करके उसके ऊपर हमला हल्ला बोल देना तो ठीक नहीं है, ये तो पाप है। क्योंकि धर्म तो ये कहता है जब उनके पिता एक इतना बड़ा धार्मिक कार्य कर रहे हैं और वो भी बुद्धिमान है, इतनी तो नॉलेज है ही, तो धर्म तो कहता है कि कभी भी किसी सन्यासी या किसी योगी को यदि वो ध्यान आदि भी कर रहा है तो डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए उसको, संध्या आदि कर रहा है तो भी, क्योंकि वो पाप होता है। इन्होंने तो सीधा हल्ला ही बोल दिया, उसको चोर ही बता दिया सीधा, तो गलत बात है ऐसे करना तो। हाँ दीदी जी, ये पीछे निरामयम शब्द आया था, इसका अर्थ क्या होता है जी? कुल कुशल क्षेम जी, जो आप कुशल मंगल हैं आप, ऐसे ना योगराम में बना वो इसी, वो इसी, वो लोगों को कुशलता देता है, स्वास्थ्य देता है जी। स्वास्थ्य के बारे में पूछना, और हमने कहीं पढ़ा था बुद्धि के तीन प्रकार होते हैं, युक्ति तात्विक और शब्द। बुद्धि के तो सात प्रकार होते हैं जी, तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा जी, इसका अर्थ नहीं पता जी, युक्ति और तात्विक। श्रद्धा थोड़ी समझा रही है लेकिन, श्रद्धा, युक्ति और तात्विक। तात्विक ठीक है, श्रद्धा का मतलब तो समझ ही गए होंगे आप जी, ठीक है। श्रद्धा, युक्ति का मतलब होता है जो तर्क संगत बात होती है उसको युक्ति कहते हैं, लॉजिक पूर्ण जो बात होती है ना उसको कहते हैं, जो योगी योग जुगत से करना, जुगत का मतलब है वहां युक्ति पूर्वक, योगी योग युक्ति पूर्वक करना, युक्ति का मतलब होता है लॉजिक के साथ तर्क संगत, क्योंकि तर्क सत्य को प्राप्त करवाने में सहायक बनता है, तो ये हो गया युक्ति। और तीसरा है तात्विक, क्योंकि प्रमाण और लॉजिक दोनों मिलकर के हमें तत्व पर पहुंचाते हैं, सत्य पर पहुंचाते हैं,
तो बुद्धि का काम है लास्ट सत्य का दर्शन करवाना, तो उसको कहेंगे तात्विक बुद्धि। तात्विक बुद्धि को ही रितंभरा प्रज्ञा कहा है। ठीक है, मन का निग्रह है, इसका क्या अर्थ हुआ जी? मन के निग्रह का मतलब होता है हम जब अपने मन को जहां लगाना चाहे वहां लग जाए, बिल्कुल हटे नहीं वहां से, और जब जहां से हटाना चाहे तो तुरंत हट जाए, ये मनोनिग्रह है। हम अपनी पढ़ाई में लगाना चाहे तो एक बार भी हमारा मन पुस्तक से बाहर कहीं ना जाए। और आपको मैंने तो पहले भी एक दिन कहा, आज भी कह रही हूं, अगर आपकी बुद्धि इतनी एकाग्र है, आप इस कक्ष में आते ही यदि आपने मनोनिग्रह कर लिया, अपने चित्त को इतने एकाग्र कर लिया, तो आपको कोई होमवर्क करने की जरूरत नहीं है। आप केवल क्लास में ध्यान से पढ़ो और आप सीधी परीक्षा दे दो, फुल मार्क्स आएंगे आपके, क्योंकि मन में इतनी ज्यादा पावर है कि वो एक ही बार में पूरा कैप्चर कर लेता है, स्कैन कर लेता है। लेकिन वो वहीं रहना चाहिए, इधर उधर फिर जाना नहीं चाहिए बिल्कुल भी मन, इतनी एकाग्रता होनी चाहिए। तो कुछ महापुरुषों ने तो ऐसे किया कि वो बस किताब को एक बार ऐसे ऐसे खोलते चले जाते हैं शुरू से आखिर तक, और फिर वो उनसे कुछ भी पूछ लो उसके बारे में। इसमें तो जी दसों इंद्रियों का फिर वो नियंत्रण होना चाहिए, तो ही मन एकाग्र हो पाएगा। हाँ, मन तो निग्रह करना कोई इतना सरल तो नहीं है। एक भी इंद्रिय दूर गई तो फिर वो जहाँ लगाना चाहे वहां तुरंत लग जाए, नहीं तो व्यक्ति एक घंटा बैठा रहता है फिर कहता है जी मन लगा ही नहीं, संत एक घंटा कर क्या रही थी आप, खिंचातानी चल रही थी, रस्सा कस्सी पकड़ के ला रहे थे, वो भाग रहा था, फिर पकड़ के ला रहे थे, फिर भाग रहा था, ऐसे चल रहा था। और एक होता है कि बस बैठे और बस तुरंत समाधिस्थ हो गए, या जिस विषय के ऊपर मन को एकाग्र करना चाहा बस उस विषय के बाहर नहीं निकले, और जहां से हटाना चाहे वहां से तुरंत हट जाए, हटता भी नहीं है। व्यक्ति का कभी किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने दुख दे दिया, किसी ने कोई पीड़ा दे दी, वहां से व्यक्ति हटाना चाहता है क्योंकि वो घटना उसको पीड़ित करती है, लेकिन रह रह करके मन में वही बात आती है। वो अपने मन को ट्रैक चेंज करने के लिए कुछ दूसरा काम करना चाहता है, पर वो काम करते हुए फिर वही बात याद आती है, फिर वो किसी के पास बैठ करके अपने मन को चेंज करना चाहता है, फिर वही बात आती है, वो उसका पीछा ही नहीं छोड़ती है। तो हटाना चाहते हैं वहां से हटता नहीं है, लगाना चाहते हैं वहां लगता नहीं है, ये मनोनिग्रह की कमी है। तो वहां गीता में ही जो मैंने आपको तीन प्रकार के तप बताए थे, ये भी मन का एक तप है, मनोनिग्रह। पढ़े नहीं पढ़े आपने तीनों तप? वहीं से पढ़ के हैं जी। हाँ, वहीं से पढ़ा है। जी। और वहां पर मन का निग्रह करने के लिए मौनम कहा है। मौन तो वाणी के तप में होना चाहिए था ना, वहां शरीर का तप कहा, वाणी का कहा, मन का कहा। तो मौन का अर्थ हम समझते हैं न बोलना, चुप होना। अगर ये अर्थ होता मौन का तो वाणी वाले में बोलना चाहिए था ना, वाणी वाले तप में तो बताया नहीं मौन को, मन वाले तप में मौनम बताया। तो इसका मतलब क्या है, भगवान योगेश्वर कृष्ण वाणी को चुप रहने की बात नहीं कह रहे हैं, मन को चुप करने की बात कह रहे हैं। और मन चुप होगा वो ही मन का निग्रह हो पाएगा, जो अपने मन को चुप कर सकता है, क्योंकि मन में अनंत अनंत विचार चलते रहते हैं। ये सगर पुत्र जो है ये कुछ और नहीं है, हमारे मन के विचार हैं ये। हाँ, उद्वेग शब्द का अर्थ क्या होता है जी? उद्वेग मतलब वेग पूर्वक विचारों का चलना जी, ये वाणी के दोष में ये शब्द आया था जी। तो फिर जी। मन इतनी तेज चलेगा तो वाणी भी वैसी ही चलेगी फिर जी। और जी ये जब हमने ये पहली बार सुना था कि मन जड़ होता है, तो हमको थोड़ा मतलब इसको स्वीकार करने में अजीब सा लगा था, तो हमने थोड़ी इसको समझने की कोशिश की कि ऐसे पाइप होती है, उसके ऊपर से कुछ सीधी पाइप है, उसके ऊपर से जो डालेंगे वही नीचे से वैसा ही आएगा, जैसे गंदा पानी डालेंगे तो गंदा आएगा। वैसा हमने कुछ समझा कि जैसे हमारा किसके साथ कुछ झगड़ा हुआ तो हम एकदम से हमारे अंदर वो विचारों का वेग उठता है, लेकिन फिर भाई कुछ समय बाद वही इंसान आके हमको सॉरी बोल देता है तो सब एकदम फिर वो उसके प्रति द्वेष था वो शांत हो जाता है। तो इसी से हमने समझा कि सच में मन जड़ी ही है, जैसा ऊपर से डल रहा है वैसा ही बाहर आ रहा है जी। तो ये ऐसा ही समझना चाहिए इसको क्या? हाँ, जड़ है वो, उसका आप उदाहरण कोई भी ले सकते हैं। आपने पाइप का उदाहरण ले लिया,
मैं हारमोनियम का उदाहरण दूंगी। हारमोनियम में सारे भजन हैं या केवल एक लकड़ी का इंस्ट्रूमेंट है? वो सारे भजन है तो वो खोल के दिखाओ मेरे को कहाँ है। उसकी एक एक पंखुड़ी हटा के, वो एक एक फट्टी, उसकी जो कीबोर्ड है उसको ऐसे तोड़ तोड़ के दिखाओ कि देखो एक भजन ये रखा, एक ये रखा, ऐसे दिखा सकते हैं क्या? बोले नहीं जी, वो उसके बजाने से निकलते हैं, ऐसे तोड़ने से नहीं निकलते। ठीक है, आप में से किसको हारमोनियम बजाना नहीं आता? ठीक, वो जगत देव जी को दे देती हूँ मैं, और ये उसको हवा भी भरेंगे, उसको दबाएंगे भी, इनसे भजन निकलवा के दिखा दो जिसको बजाना नहीं आता है, भजन निकलेगा ही नहीं। सारे उसी में ही हैं तो भी नहीं निकलेगा, लेकिन कोई कुशल बजाने वाला है वो कितने ही धुन निकाल देगा उसमें से, अनंत। तो ऐसा जड़ हमारा मन है, तो मन में से हम अच्छे से अच्छे विचार निकाल सकते हैं, बुरे से बुरा निकाल सकते हैं। हम उसको दिशा कौन सी दे रहे हैं, उधर का नेटवर्किंग वो शुरू कर देगा। तो मन में अपना कुछ नहीं है, मन एक इंस्ट्रूमेंट है, हम उसको जैसा दिशा देते हैं, जिस तरह से उसका प्रयोग करते हैं, वो उस तरह की सूचना देना शुरू कर देता है। तो इसमें ऐसा है जी, जैसे भी जड़ है ये तो समझा गया जी, तो हमारे सामने कुछ ऐसी घटना हो, मन तो जड़ है उसके अंदर तो वो इन्फॉर्मेशन जाएगी ही जी, तो फिर वो तो वैसा रिएक्ट करेगा ही। जैसे अभी आप कह रहे थे कि विचलित नहीं होना, तो फिर जे लॉजिकली समझ तो नहीं आ रहा। तो है पास में जी, तो विचलित ना होने दे अपने को। चक्कू है, उसके ऊपर धार है, तो हाथ काटेगा ही, ऐसे थोड़े होता है। आत्मा भी तो है, तो वो हाथ को ना कटने दे और केवल सब्जी को कटने दे जी, तो वो चक्कू को ठीक से प्रयोग करे आत्मा। तो यानी वहां पे हमारा आत्म बल जिसका ज्यादा होगा वही इस चीज को कवर कर पाएगा जी, वही आत्मा का बल फिर विकारों को हटाने से बढ़ेगा जी। धन्यवाद, बस हो गया, और तो किसी का प्रश्न नहीं है, चले आगे। चलिए, सतम प्रदक्षिणम कृत्वा पृष्ट्वा चैव निरामयम् पित्रेण स परिपप्रच्छ वाजी हर्तारमेव च दिशा गजस्तु तच्छ्रुत्वा प्रत्युवाच महामतिः आस्मञ्जस्कृतार्थस्त्वं सहस्व शीघ्रमेष्यसि तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सर्वानेव दिशा गजान् यथा क्रमं यथा न्यायं प्रष्टुं समुपचक्रमे तैश्च सर्वैर्दिशापालैर्वाक्ययज्ञैर्वाक्कोविदैः पूजितः सः अश्व चैव आगन्तासि अभिचोदितः तेषां तद्वचनं श्रुत्वा जगाम लघुविक्रमः भस्मराशीकृता यत्र पितर्तस्य सागराः। तो अंशुमान ने जो वो दिशागज को देखा, जिसकी सब पूजा कर रहे थे देव दानव आदि, तो उसकी प्रदक्षिणा की और पृष्ट्वा चैव निरामयम, उसका कुशलक्षेम पूछा, और पितृंच परिपप्रच्छ, अपने पितरों के बारे में पूछा कि आपने देखा हो हमारे पितर यहाँ से गए हों। वाजी हरतारमेव च परिपप्रच्छ, और अश्व को हरण करके कोई यहाँ से ले गया क्या, उसके बारे में पूछा। दिशा गजस्तु तच्छुत्वा प्रत्युवाचे महामति ही, तो उसके इस प्रश्न को सुन करके महामति दिशा गज ने प्रत्युवाचे उत्तर दिया। आसमंज, आसमंजस का पुत्र आसमंज, अंजना का पुत्र आंजनेय,